तो इसके पहले हम लोगों ने देखा था ग्लेन अपने स्टूडेंट के साथ आ जाता है एक एजुकेशनल टूर में, और यह हमें पता चलता है रियल ग्लेन के लिए बहुत डेंजर है, और इस बात को एल्बर्ट भी कहता है। जहाँ पर ग्लेन कहता है नहीं कोई बात नहीं है, पहले से बहुत चेंज हो चुकी है, लेकिन इसके बाद भी हमें दिखाना चाहता है रियल अभी ग्लेन को चाहती है। जहाँ पर इसके रिप्लाई में ग्लेन कहता है रियल तुम्हें अपना लाइफ मिल जाएगा, डिप्रेस होने की कोई बात नहीं है, तुम उसको छोड़कर हमारे एकेडमी में आ जाओ और उसके बाद तुम्हें बहुत अच्छी लाइफ मिल जाएगा। इससे रियल हैप्पी नहीं होती है। रियल के लाइफ में कुछ और भी बातें था जो कि हमें इस एपिसोड में पता चलने वाला है, तो हम लोग बढ़ते हैं आगे। हमें इस एपिसोड में पता चलने वाला है, बाकी अगर तुम लोग उस एपिसोड को देखना चाहते हो तो उसको देख सकते हो। तो स्टार्टिंग में ग्लेन अपने स्टूडेंट के साथ आ रहा होता है एक एंसेंट जगह में, जहाँ पर वो लोग कुछ देखने वाले थे। तो पैदल बातें करके आ रहे होते हैं, रूमिया फिबेल एक साथी होता है और वो दोनों देखते हैं रियल अकेली थी। तो देखकर ही पता चल जाता है रियल अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा है। खैर इसके बाद ही वो लोग ऐसे आ रहे होते हैं और इसी बीच रियल रास्ते में गिर जाती है। देखकर फिबेल और रूमिया उसके पास हेल्प करने के लिए आ जाते हैं, लेकिन इसके बाद रियल कहती है तो इन सबका कोई परवाह नहीं है, यानी तुम लोग कौन हो मैं नहीं जानती हूँ, बस इस बात को जानते हो तुम लोग बहुत गलत हो। मुझे इन सबका कोई परवाह नहीं है, मैं नहीं जानती हूँ तुम लोग कौन हो, मैं बस इस बात को जानती हूँ तुम लोगों ने मुझसे ग्लेन को चुरा लिया। सुनकर फिबेल और रूमिया वो दोनों बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है, और इसके बाद ही वो लोग कहते हैं वैसे क्या हो गया, क्या तुम हमें अच्छे तरीके से बता सकते हो हुआ क्या है। और इसके बाद रियल कहती है नहीं बताने लायक कुछ भी नहीं है। इसके बाद रियल आगे चली जाती है, जहाँ पर रूमिया और फिबेल अभी सोच रहे होता है, और इसी बीच ग्लेन उन दोनों के पास आता है और कहता है ऐसा कोई बात नहीं है, थोड़ा गुस्सा है और इसकी कहानी वो ऐसा कर रही है, बाकी ऐसा कोई बात नहीं है, और इसको सुनकर वो दोनों शांत हो जाता है। इसके बाद ही वो लोग आ जाते हैं अपने डेस्टिनेशन वाले पॉइंट में, जहाँ पर ये था एक एंशिएंट प्लेस। जगह के बारे में कहा जाए तो इधर बहुत सारा रिसर्च किया जाता है और ये बहुत पॉपुलर जगह था, ऐसे सीखता है उन लोगों के लिए ये एक बहुत अच्छा जगह था। खैर इसके बाद सारे स्टूडेंट इस जगह को देखने लग जाते हैं। जगह का एक इंचार्ज भी होता है और ये सारे स्टूडेंट को कह रहा होता है कहाँ पर क्या क्या चीजें हैं या फिर किससे किसको यूज किया जाता है। देखकर सारे स्टूडेंट बिजी तो हो चुके थे, और उसके बाद ही वो लोग आ जाते अंदर वाले जगह में। इसके बाद ही वो लोग आ जाते अंदर वाले जगह में और ये बहुत अलग था, पर बहुत अलग अलग स्पीसीज के एनिमल्स होता है या फिर हम लोग कह सकते हैं चीजें होते हैं जो कि बहुत अजीब थे। देखकर स्टूडेंट कहता है ये सब क्या है, और उसके बाद ही वो इंसर्ट कहता है ये जगह लाइब्रेटरी है और इधर हम लोगों ने बहुत सारे रिसर्च पहले भी किए हैं। वेल इसके बारे उन लोगों का बात आ जाता है न्यू लाइफ के बारे में। लाइफ होता है उनके जगह में एक न्यू लाइफ के बारे में, तो न्यू लाइफ होता है कॉन्सेप्ट जहाँ पर एक चीज अगर मर गया तो उसके ऊपर मैजिक का यूज किया जाता है, उसके बाद उसके ऊपर खोज होता है और वो जिंदा हो जाता है, लेकिन ये बस एक कॉन्सेप्ट होता है जहाँ पर इसको पहले यूज किया गया था। सर्स कहता है लेकिन ये कॉन्सेप्ट कभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, और उसके बाद एक ग्लेन इधर आता है और उसके बाद वो कहने लग जाता है। इसको सुनकर ग्लेन कहता है लेकिन ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। मिया कहती है लेकिन क्यों, और उसके बाद एक ग्लेन कहता है क्योंकि कोई इंसान कब जन्म होने वाला है या फिर कब वो मरने वाला है ये हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते, ये नेचर है, हम नेचर के रूल को बदल नहीं सकते, तो उसके कारण ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। इसके बाद इंचार्ज कहता है इस मैजिक से किसी को जिंदा नहीं किया जा सकता, लेकिन उसका एक कॉपी बनाया जा सकता है। और न्यूज आ रहा है मैजिक विजडम ने इसको कर दिया है, और इसको सुनकर ग्लेन कहता है नहीं ये नहीं हो सकता, इस मैजिक को यूज नहीं कर सकता क्योंकि ये बहुत पहले बैन हो चुका है, तो उसकी कहानी ये इम्पॉसिबल है। तो बस ऐसे ही बात है जो कि लोग ऐसे ही क्या करते हैं। वेल इसके बाद वो लोग ऐसे ही बातें करते हैं और इस टॉपिक को इधर बंद कर देते हैं। इसके बाद ही वो लोग घूम रहे होते हैं और ऐसे ही शाम हो चुका था। शाम को रूमिया और फिबेल एक साथ ही बातें कर रहे होते हैं और इसी बीच इधर रियल आती है, उनको देखकर वो दोनों हैप्पी होते हैं, और इसके बाद ही वो दोनों रियल के साथ बातें करने के लिए आ चुके थे। लेकिन इसके बाद भी हमें दिखाना चाहता है रियल इन सब से बहुत गुस्सा होती है, उन दोनों के साथ बातें नहीं करती और वो आगे गुस्से से चली जाती है, और इसको देखकर वो दोनों फिर से नाराज हो गए थे, उनको देख लेता है। और इसके बाद ही वो रियल के पास आता है और वो कहता है रियल तुम्हें क्या हो गया, क्या बात है जो तुम इतना ज्यादा गुस्सा हो, क्यों तुम दूसरों के साथ बातें नहीं करना चाहती। इसके बाद रियल एक ही बात को कहती है, यानी उन्होंने मुझसे ग्लेन को चुरा लिया और उसकी कहानी में किसी के साथ बात नहीं करना चाहती, बस ग्लेन को चाहती है और यही बात था। खैर इसके बाद ही ग्लेन कहता है नहीं जो तुम सोच रही हो ये नहीं हो सकता, कोई भी बात नहीं है जो तुम सोच रही हो वो दोनों गलत नहीं है। और इसके बाद रियल कहती है मैं जाने दी तुम फिर से यही बात करने वाले हो, और उसके बाद वो इधर से भाग जाती है। भागने के बाद हमें दिखाया जाता है रूमिया और फिबेल एक साथ ही ग्लेन के पास आते हैं और वो लोग बातें करते हैं, और फिबेल कहते हैं वैसे क्या हो गया, यानी उसने तुम्हें क्या कहा, और उसके बाद ग्लेन कहता है वो बस ऐसे नाराज है। रूमिया और फिबेल जाना चाह रहे थे रियल का पास क्या है, वो इतना ज्यादा नाराज क्यों है। इसके बाद ग्लेन रूमिया और फिबेल को रियल के पास के बारे में कह रहा होता है, और हमें दिखाया जाता है रियल आ चुकी थी बीच के पास, तरह के थोड़ा शांत होती है और उसके बाद वो सोच रही होती है उसके लाइफ के साथ क्या क्या हो रहा है। पर उसके लाइफ में आ चुके थे न्यू फ्रेंड्स और वो इसको लेती है एक थ्रेट की तरह, यानी वो कहती है ये लोग गलत थे मेरी लाइफ में आए मुझे धोखा देने के लिए, मुझे दुख देने के लिए, और उसकी कहानी वो बहुत गुस्सा भी होती है, साथ ही वो रो रही थी क्योंकि वो अकेली थी।
कह रही होती है, वो लोग बहुत गलत थे, यानी उन्होंने मुझे कभी पहचाना ही नहीं मैं कौन हूँ, और ऐसे ही वो बातें कर रही होती है। इसी बीच हमें दिखाया जाता है रियल के पीछे से आ गया था एक बंदा, और उसको देखकर रियल बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है, क्योंकि ये था रियल का ब्रदर जो कि बहुत पहले ही मारा जा चुका था। रियल इसको देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है, और हमें दिखाया जाता है एल्बर्ट को, जहाँ पर एल्बर्ट भी इसको देख रहा था, जान गया था बहुत गलत होने वाला है, और उसकी बारी वो उधर ही जाने वाला होता है। लेकिन इसी बीच इधर आ गई थी वही मेड, वही विच जो कि इन सब के पीछे होती है। वेल, वो इधर आई थी एल्बर्ट के साथ फाइट करने के लिए, और उसके कारण एल्बर्ट इधर बिजी हो गया था। एल्बर्ट कहता है तुम इधर क्यों आए हो, और उसकी बात विच कहती है वो इधर एल्बर्ट को मारने के लिए आई है, और उसकी बात वो दोनों फाइट स्टार्ट कर देता है। भी ठान लेता है वो आज इसको खत्म करके रहेगा, तो उसकी कहानी वो अपने मैजिक का यूज कर देता है। खैर इसके बारे में कहा चले उस विच के पावर जो की बहुत ज्यादा था, पावर से बहुत सारे जॉम्बीज को बाहर निकाल लाती है, और ये बहुत भयंकर होता है। बारी वो विच कहती है जाओ इसको खा लो, और उसकी बारी सारे मुर्दे यानी सारे जॉम्बी एल्बर्ट के पास आने लग गई थी। बारी एल्बर्ट भी अपना मैजिक का यूज करता है, और उसकी कहानी इधर एक्सप्लोड होता है, और ऐसे ही इधर एक बहुत भयंकर फाइट का स्टार्टिंग हो चुका था। के पास बहुत सारा पावर था, लेकिन ये सारा पावर उस विच के सामने कुछ भी नहीं था। वो हंस रही होती है और वो कहती है जल्दी तुम मरने वाले हो। सीन आता है रूमी और फिबेल के पास, और वो दोनों बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पर वो दोनों चिंतित होते हैं क्योंकि ग्लेन बहुत टाइम पहले इधर से निकल चुका था। ग्लेन का कोई रिपोर्ट नहीं होता, वो लोग सोच रहे होते हैं ना जाने रियल को क्या हुआ होगा। और ग्लेन क्या रियल को अपने साथ ले आ भी पाएगा। रियल का मूड बहुत अलग लग रहा था, और वो दोनों ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं। सीन आता है रियल के ऊपर, जहाँ पर वो अपने ब्रदर के साथ मिलकर बहुत चले सॉग होती है। ब्रदर कहता है तुम जानती हो एक मैजिक के बारे में, और उसके मुताबिक यानी मुझे चिंता किया गया। कहती है लेकिन कैसे, यानी ये नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है। और उसके बाद उसका ब्रदर कहता है नहीं ये पॉसिबल है, बात तो ये है मैं कभी मर ही नहीं गया था, यानी मुझे जब मारा जाने वाला था तब उस समय मेरा आखिरी के सांस से चल रहा था। इसी समय मैजिक विजडम के लोग आए और उन्होंने मेरा हेल्प किया, और उसी समय से मैं उनका चेला बन गया। टाइम से मैं उनका काम कर रहा हूँ, और मुझे अब उनका काम नहीं करना, तो उसके कारण मुझे तुम हेल्प करो। कहते लेकिन ये आप क्या बातें कर रहे हो। और उसके बाद ये रियल का ब्रदर कहता है हाँ मैं सच्ची बात कर रहा हूँ, मुझे इधर से फ्री होना है, मुझे तुम्हारे साथ रहना है, मैं चाहता हूँ तुम मेरा हेल्प करो मेरे मिशन में, ताकि ये कम्प्लीट हो जाए और मैं फ्री हो जाऊँ और हम दोनों एक साथ ही रहेंगे। सोच रही होती है वो क्या करने वाली है, और उसके बाद रियल का ब्रदर कहता है लेकिन हमारे मिशन में आ रहा है ग्लेन, हमारे मिशन में बीच में आ रहा है ग्लेन, और इसलिए मैं चाहता हूँ तुम उसको रास्ते से हटा दो, ताकि मिशन सिंपल हो जाए और उसके बाद हम लोग कम्प्लीट कर पाए। और उसके बाद रियल सोच रही होती है वो क्या करने वाली है, क्या वो अपने टीचर को चुनने वाले या फिर अपने ब्रदर को। डिसीजन लेना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो चुका था, वो सोच रही होती है वो किसको चुनने वाली है। बीच इधर ग्लेन आ जाता है, और वो कहता है नहीं ऐसा नहीं होने वाला, यानी वो जानता है ये कोई असली बंदा नहीं है। क्योंकि आगे आ जाता है और वो कहता है वो रियल के आगे आ जाता है और वो कहता है वो जल्दी इसको खत्म करने वाला है, यानी ये कोई भैरोपिया है। बार ग्लेन हंस के उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन इसके बारे में दिखाया जाता है एक बहुत ज्यादा शॉकिंग चीज, यानी इसकी बारी अपने स्वॉर्ड निकालती है, और उसके बाद वो ग्लेन के आर पार कर देती है। वेल, इसको देखकर ग्लेन बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है, यानी वो देखता है रियल ने उसके ऊपर अटैक कर दिया था। एक इम्पैक्ट बहुत भयंकर था जो कि तुम लोग देख ही सकते हो, तो उसके कारण ग्लेन नीचे गिर जाता है। कहता है लेकिन क्यों, और उसकी बारी रियल कहती है क्योंकि मुझे अपने ब्रदर को चुनना था। तो ब्रदर इससे बहुत हैप्पी होता है, वो कहता है जल्द ही इस मिशन को कम्प्लीट करने वाले, और उसके बाद हम दोनों एक साथ ही रहेंगे। और उसके बाद ही वो दोनों चले जाते हैं। आता है जंगल में, जहाँ पर अभी फाइट कंटिन्यू हो रहा था, और इसके इम्पैक्ट भी बहुत ज्यादा था। तो अपने पावर को एक दूसरे के ऊपर यूज कर रहे होते हैं, और उसके बाद एल्बर्ट फिर से अटैक करने वाला होता है, लेकिन इसके बाद वो देखते हैं ग्लेन का हालत जो कि बहुत बुरा था, यानी ग्लेन मारा जा चुका था। लेकिन एल्बर्ट को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, और इसके बाद वो विच के ऊपर अटैक करने वाला था, लेकिन इसके बाद वो विच कहती है उसने अपना काम कर लिया, उसे जाना होगा, तो उसकी कहानी वो इधर से चली जाती है। सीन आता है घर में, बहुत सारा खाना लेके आ रही होती रूमिया के रूम में, जहाँ पर वो सोच रही थी साचे ग्लेन और उसके साथ तक आ चुकी होगी उनके रूम में, और वो दोनों बहुत भूखे होंगे, तो उसकी कहानी ये सारा खाना उनको बहुत पसंद आएगा। उनके लिए खाना लाकर बहुत ज्यादा हैप्पी थी, और इसके बाद वो रूम में आ जाती है, जहाँ पर वो इसको देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है, क्योंकि रूमिया नीचे गिरी थी, और उसके साथ ही रियल के बॉडी में बहुत सारा खून था, स्वॉर्ड भी उसके साथ ही होता है। इसको देखकर रूमिया कहती है तुमने ये क्यों किया, तुम जानती भी हो तुमने क्या कर डाला। और उसके बाद रियल कहती है हाँ वो जानती है उसने क्या किया, और अगर तुम इसको सोच रहे हो मर चुकी है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है, वो तो बस बेहोश है, और वो अब इसको इधर से ले जाने वाली है। इसको सुनकर रूमिया कहती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, टीचर जल्द ही आ जाएंगे, और उसके बाद वो तुम्हें पनिश भी करेंगे। इसको सुनकर रियल कहती है कौन सा टीचर, तुम ग्लेन के बारे में बातें कर रहे हो, तो वो कब का मर चुका है, और उसको मैंने ही मारा है।
कहते हैं ये नहीं हो सकता, लेकिन रियल का हालत देखकर रूमिया जान जाती है। रूमिया कहती है ये नहीं हो सकता, लेकिन रियल का हाल देखकर वो भी जान जाती है। रियल कोई भी चोक नहीं कर रही थी। रूमिया को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, वो कहते हैं ये तुमने क्यों किया। और उसके बाद रियल कहते हैं क्योंकि वो आ चुकी है एक अलग ही टीम में। मुताबिक वो सब लोग यानी इनफैक्ट रूमिया भी उनके लिए डेंजर है। रूमिया या फिर ग्लेन या फिर फिबेल उनके ओपोनेंट पे आता है, तो उसकी कहानी उसने ऐसा कर दिया। बारी वो फिबेल को उठाने वाली होती है, इसको देखकर रूमिया कहती है नहीं तुम इसको नहीं कर सकते, मैं इससे पहले तुम्हें सूद कर दूंगी। कहती है अगर तुम ऐसा कर ही सकते हो तो तुम कर सकते हो, मैं फ्री बॉडी फ्रीक कर रही हूँ तो इसलिए तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो। और उसके बाद रियल अपना बॉडी फ्रीक कर देती है। यह बहुत ज्यादा टेंशन में होती है, जहाँ पर उसके दिमाग में आ रहा था ग्लेन के बातों के बारे में, क्योंकि ग्लेन अब जिंदा नहीं है। सोच रही होती है क्या वो ये काम कर सकती है, यानी क्या वो अपने फ्रेंड को मार सकती है या फिर नहीं। की बारी रूमिया जान जाती है नहीं वो ये काम नहीं कर सकती, तो उसकी कहानी वो रो देती है और वो कहती है नहीं वो ये काम नहीं कर सकती। कहती है टाइम अप हो चुका है और उसकी बारी वेल को लेके इधर से चली जाती है। अपने टीचर के बारे में सोचकर बहुत ज्यादा दुखी होती है, वो रो रही होती है। और इसी बीच इधर आ गया था एल्बर्ट और इसको देखकर रूमिया कहती है क्या ये मर चुका है। कहता है नहीं ये मर तो नहीं गया है, लेकिन ये अपने आखिरी सांस से गिन रहा है, यानी हमारे पास एक होप है। कहती है लेकिन क्या। और उसके बाद एल्बर्ट कहता है तो उसके पास एक मैजिक है और उसके साथ ही रूमिया तुम्हें भी अपने हील मैजिक का यूज करना होगा, अगर तुम इसको कर पाए तो हो सकता है ग्लेन फिर से जिंदा हो जाए। रूमिया कहती है नहीं वो ऐसा नहीं कर सकती, उसके पास ऐसा कोई मैजिक नहीं है, यानी वो नहीं जानती वो इसको कर भी पाएगी या फिर नहीं, इसलिए वो नहीं कर सकती। और उसके बाद एल्बर्ट कहता है नहीं तुम्हें करना ही होगा, रोने से इधर कुछ भी नहीं होने वाला, तो इसलिए तुम्हें ये करना ही होगा। उसके बाद एल्बर्ट अपने काम में लग जाता है क्योंकि टाइम बहुत कम बचा था। उसके बाद एल्बर्ट अपना काम कर देता है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है अब भी रूमिया इसके लिए रेडी नहीं थी। लेकिन एल्बर्ट इधर से जाने वाला होता है, लेकिन इससे पहले एल्बर्ट चला जाता है। रूमिया कहती है उसको क्या करना होगा, रेडी हो चुकी थी। और उसके बाद एल्बर्ट कहता है तो तुम्हें ग्लेन को CPR देना होगा, ये भी जल्दी। और उसके बाद रूमिया कहती है क्या ये सच में करना होगा। और उसके बाद एल्बर्ट कहता है तो क्या मैं इधर जो करने के लिए आया हूँ। बारी रूमिया अपना काम कर देती है, यानी वो ग्लेन के मुंह पे अपना मुंह लगा देती है। और उसके बाद वो ग्लेन के ऊपर प्रेशर बनाने लग गई थी। ग्लेन का सांस से वापस आ जाए, सीन आता है एक अलग ही जगह में, यानी मैजिक विजडम के अड्डे में, जहाँ पर वो लोग फिबेल को लेके आ चुके थे। अपना आंखें खोलते हैं जहाँ पर वो में बंदी थी और उसके सामने एक बंदा था। वेल इसके बारे वो देखते इधर रियल भी होती है और उसको देखकर वो हैप्पी हो जाती है। कहते हैं रियल तुम इधर क्या कर रही हो। और उसके बाद रियल सब कुछ कह देती है, यानी रियल अभी के टाइम में उनके लिए अपोनेंट है। सुनकर फिबेल भी कहती है कोई बात नहीं है, ग्लेन जल्दी आने वाला है और उसके बाद फिबेल को इधर से ले जाएगा। और उसके बाद रियल कह देती है मुझे माफ कर देना, लेकिन ग्लेन मर चुका है, उसको मैंने ही मारा है। और फिबेल कहते है नहीं ये सच नहीं हो सकता, तुम ऐसी बातें कर रही हो, उससे जोके है ना रियल। और उसके बाद रियल कहते है मुझे माफ कर देना, लेकिन यही सच है। और उसके साथ ही इस एपिसोड का एंड इधर हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों को एपिसोड को देखकर पसंद आया होगा, एपिसोड अच्छा था। बाकी हम लोग देखते हैं इसके बाद वाले एपिसोड में, और मुझे कमेंट करके बता सकते हो किस किसने अभी तक इस एपिसोड को देखा है या फिर नहीं। कोड के लिए तुम लोग लिख सकते हो X2X, अगर ये लिखते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बाकी हम लोग मिलते हैं इसके बाद वाले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, सायोनारा, बीपी, स्टे हेल्दी एंड स्टे कूल।